अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ मंदी। बिरयानी तो बहुत बना चुके होंगे आप रमजान में, ईद के रोज। अब दो दिन में ईद है, ईद के रोज आप अलग से बनाइए, अलग से बनाकर खाकर देखिए। ये बाहर बहुत बनती है मंदी। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंदी, तो चलिए बनाते हैं। चिकन मंदी बनाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए अभी मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पर चिकन लेकर आई हूँ, 1 किलो है ये चिकन। ये देखिए, ऐसे पीस चाहिए हमें चिकन के। चिकन और यहाँ पर मसाले मैं बताती हूँ। यहाँ पर प्याज, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू। हमें मंदी में चावल में डालने के लिए काला नींबू आता है, वो चाहिए। मेरे पास खत्म हो गया है तो मैं सूखे नींबू रख ली हूँ। नींबू, जाफरान, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पर सूखे धनिया, सूखी जीरा, काली मिर्च और यहाँ पर सौंफ, 1 नींबू और यहाँ पर हरी मिर्ची, ये मसाले हमें चाहिए। साथ में तेज पत्ता, 6 से 7 छोटी इलायची, जावित्री का फूल, जायफल, लौंग, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के 6 से 7 टुकड़े। ये हमें मंदी का मसाला बनाने के लिए ये चाहिए। ये हो गया है। अब मंदी की चटनी, मैं चटनी आपको अलग से रेसिपी में बताना चाहती थी, नहीं आपको अभी मैं बनाकर बताती हूँ। यहाँ पर मंदी की चटनी बनाने के लिए हरिया धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के कली और 4 टमाटर, यहाँ पर 1 नींबू, ये चटनी बनाने के लिए है। और यहाँ पर मैंने प्याज को तल कर रख ली हूँ, प्याज और यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, इसको भी मैं घी में तल कर रख ली हूँ। अब चावल चाहिए हमें। चावल मैं यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल ली हूँ। इसे बासमती ही चावल डालना है, अगर नहीं है तो आप दूसरे चावल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बासमती चावल, 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन ली हूँ। अभी बनाना शुरू करेंगे, बनाना बताती हूँ मैं। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ, मैं एक पैन को रख ली हूँ। ये पैन क्यों चाहिए हमें? मंदी का मसाला बनाने के लिए मसालों को हम भूनना है, इसीलिए। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जितना धनिया ली हूँ। और यहाँ पर सौंफ, 2 टीस्पून सौंफ है ये। और यहाँ पर 2 टीस्पून जीरा, अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च, इसको भी इसमें डाल लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इसे थोड़ा भूनना है, फिर हम गरम मसाले इसमें डाल लेंगे। ये मंदी मसाला है, अगर ये नहीं है तो आपकी बिरयानी मंदी नहीं बनेगी। ये जरूरी है कि आप मसाले भूनकर डालना, दूसरे मसालों में अच्छी नहीं आती है, ये मसाले जरूरी है उसमें डालने के लिए। अभी यहाँ पर मैं दूसरे मसाले डालती हूँ। दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 जायफल और 1 जावित्री का फूल, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 छोटी इलायची, ये जाएंगे। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं, अभी मैं जार में डालकर पीस लेती हूँ इन मसालों को। ये मसाला नहीं तो मंदी अच्छी ठीक से नहीं आएगी, टेस्ट भी नहीं रहेगी। और इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, बहुत कम जाते हैं मसाले, ज्यादा टमाटर ये सब कुछ नहीं जाता है इसमें। अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है मंदी मसाला, तैयार हो गया, इसे निकाल लेंगे। अब हम चिकन के पीस को थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया है मंदी मसाला। अब इसको बाजू में रख देती हूँ, अब चिकन को ले लेती हूँ। चिकन को हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है, ज्यादा बड़े भी नहीं, छोटे बस। ये देखिए, क्योंकि मसाला अंदर तक लगना है इसीलिए बस इतने इतने कट हमें चाहिए। ये देखिए इतने, यहाँ पर भी लगा लेती हूँ मैं ये कट।
इधर भी लगाती हूँ थोड़ा सा एक कट। ये देखिए हमें ऐसे कट लगाना है, ये देखिए मैं इधर भी लगाई हूँ और इधर भी लगाई हूँ, बस इतने कट लगाना है। अब सभी को मैं ऐसे कट लगा लेती हूँ। देखिए मैं सारे कट लगा ली हूँ, सभी को लगा ली हूँ। मैं यहाँ पर बीच में भी एक कट लगाई हूँ क्योंकि मसाला अंदर तक जाना है, इसीलिए सभी को मैं ऐसे ही कट लगा ली हूँ। और ज्यादा इसे कट नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है बस। ये देखिए इतना सा मसाला अंदर तक जाना है। अब हम मैरिनेट के लिए तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम मसाले को ले लेंगे, अभी ये पीस कर रख लिए थे ना वो मसाला। हमें ये स्पून से 2 स्पून मसाला हमें रख लेना है क्योंकि हमें चावल में भी डालना है, इसीलिए। ये देखिए मैं इतना मसाला चावल के लिए बचा कर रख ली हूँ। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पर 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक का ली हूँ मैं, ये डाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर नमक, नमक मुझे जितना चाहे मैं उतना ले रही हूँ, आप देखकर ले लेना ये नमक। अब इसमें मैं 1 लींबू डाल ले रही हूँ, 1 लींबू का रस डाल रही हूँ। ये खटास के लिए है, बस 1 नींबू हो गया है। अभी इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है। मसाले की तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू उतनी अच्छी आ रही है। ये मंदी बिरयानी में तो मसाले बहुत कम जाते हैं, बहुत बहुत कम, टमाटर तो बिल्कुल नहीं जाता है इसमें। मैं आपको 4 से 5 बिरयानी बनाकर बताई हूँ, अब मंदी भी बनाकर बताई हूँ। मेरे घर में तो बहुत बनता है, आप रमजान में इसे बनाकर खाइए, ईद पर आपके घर में मेहमान भी आते हैं तो देखकर अलग सा अच्छा लगता है। देखिए मसाला तैयार हो गया, अब हम चिकन को लगा लेंगे। अब हम चिकन को लेना है, इस मसाले को अच्छे से लगा लेना है। अच्छे से लगा लेंगे इसे। ये देखिए जहां कट लगा है उसे अंदर तक हमें ऐसे हाथ की मदद से इसे मसाज करना है क्योंकि ये मसाला लगने से ये टेस्टी बनता है। हाँ, इसी में ही टेस्टी रहता है, चावल में बहुत कम रहता है मसाले, इसमें ही मसाला ज्यादा जाता है, इसीलिए इसे मसाला अच्छे से हमें लगाना है। ये देखिए यहाँ भी कट है, इसे भी अच्छे लगा रही हूँ और यहाँ भी कट में भी अच्छे से मैं लगा रही हूँ मसाले को। ये देखिए ऐसे हमें मसाला अच्छे से लगाना है। अब दूसरे को भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, कट के अंदर उसको खोल खोल के ऐसे लगाना है। ये देखिए इसके अंदर तक क्योंकि मसाला जाना है तभी चिकन टेस्टी बनता है। ये देखिए यहाँ भी कट लगाई हूँ मैं, इसके अंदर भी अच्छे से लगा लेती हूँ। जितना मसाला लगता है उतना टेस्टी चिकन बनता है। हाँ, मेरे पास अवन है, अवन में भी आप इसे रखकर बना सकते हैं। मेरा अवन खराब हो चुका है इसीलिए मैं आपको पैन में ही बनाकर बता रही हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ अवन में बनाती थी, मेरा अवन खराब हो गया है इसीलिए मैं आपको, आप अवन में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकती हैं। ये देखिए इसे भी अच्छे से लग गया है मसाला। आपके हाथों की मदद से आप इसको मसाले को, चिकन को अच्छे से मसाज करना। ये भी हो गया, ये देखिए
अभी दूसरों को भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। सभी को मैं लगा ली हूँ मसाला। अभी इसी बॉल में ही हम इसको रख देंगे, चिकन को इसमें ही रखें। ये एक घंटा तो भी इसमें रहना है, इसमें अच्छे से एक घंटा तो भी इसको हम रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, एक दिन पहले। आप कल मंदी बनाना है तो आप रात में बनाकर इसको मैरिनेट करके चिकन को रख दे के दूसरे दिन बना सकते हैं। अभी मैं तो एक घंटा, आधा से एक घंटा तो मैं रखूंगी ही रखूंगी इसे। अब हमें चिकन को मैरिनेट करके रख दी हूँ मैं, चावल को धोकर पानी डालकर भी रख दी हूँ मैं। अभी हम चटनी को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हरिया धनिया डाल लेंगे। हरिया धनिया, थोड़े से एक 10 पत्ते पुदीने के, और हरी मिर्ची, ये तीखी हरी मिर्ची है, बस मैं छोटी छोटी 5 डाल रही हूँ, तीखी हरी मिर्ची। और यहाँ पर लहसुन की कलियां, एक 6 से 7 लहसुन की कलियां। अब इसमें हम टमाटर काट कर डाल लेंगे। और इसको बारीक नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है, इस चटनी को दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। और इतनी टेस्टी बनती है ये, बहुत टेस्टी बनती है चटनी भी, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको पीस लेंगे, दरदरा पीस लेंगे इसे। ये देखिए हो गया है, अभी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इतना दरदरा रहना चाहिए, ये फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हमें दरदरा चाहिए। ये मंदी की चटनी ऐसे ही आती है। अभी मैं इसमें नमक लेती हूँ। नमक चटनी को जितना चाहे देखकर डाल लेना, मैं पहले नहीं डाली हूँ, अभी मैं डालकर बता रही हूँ आपको। ये देखिए, अभी इसे मिलाकर हम फ्रिज में रख देंगे, ये तैयार हो गई। ये देखिए कितनी दरदरी सी है चटनी, ये देखिए ऐसे हमें दरदरी सी चाहिए। आधा घंटे से बहुत ज्यादा हो गए, 1.5 घंटे के ऊपर हो गए मैरिनेट करके रख के। अब मैं यहाँ जाफरान भीगने डालकर रखी थी, अभी इसमें हम डाल लेंगे, इसी में ही डालना है। अब गैस ऑन करके एक पैन को रख लेंगे, इसे तलना है। यहाँ पर गैस ऑन कर ली हूँ और पैन को भी मैं रख ली हूँ। अभी इसमें हम तेल डाल लेंगे, देखिए इसमें अच्छे से हम तेल डाल लेंगे। ये देखिए हमें इतना तेल चाहिए चिकन को तलने के लिए। यहाँ पर मैं एक एक करके डाल लेती हूँ। सबसे पहले हमें तेल अच्छा गरम करना है, इसको हाई फ्लेम में ही रखना है। इसको ऐसे ऐसे इसको एक 10 मिनट तक हाई फ्लेम में रखेंगे, बाद इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट। अब मैं दूसरी तरफ इसको पलटा लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा पका है, ये देखिए। इसको दूसरी तरफ भी 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे, बाद हम स्लो कर लेंगे। अभी देखिए मैं हाई फ्लेम पर रखी हूँ इसे। अब इसको इधर से भी हम अच्छे से पकने देंगे। ये डालते ही हाई फ्लेम पर रख देने से क्या होता है, अंदर कच्चा ही रहता है, ऊपर पक जाता है, इसीलिए 10 मिनट हाई फ्लेम में रखना है, उसके बाद स्लो पर रख कर हमें पकाना है, ये अंदर तक पक जाता है। देखिए ये पक चुका है, अभी मैं इसको उतार लेती हूँ। एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे, ये देखो अच्छे से पक चुका है ये। अभी मैं दूसरे को भी डाल लेती हूँ इसमें। अभी मैं दूसरा भी इसमें डाल लेती हूँ। ये पक चुका है, अभी मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। चिकन का हो गया है, अब हम चावल के लिए एक बर्तन को रख लेंगे इस पर। यहाँ मैंने गैस ऑन कर ली हूँ, बिरयानी पॉट को रख ली हूँ। अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, एक छोटे से 1 कप जितना हमें तेल चाहिए।
बस। और यहाँ पर जो मैं चिकन को फ्राई करके रख ली थी उसी तेल को भी इसमें डाल लेंगे। एक कप से एक कप है तेल, यहाँ पर सबसे पहले हमें तीन तेज पत्ता डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्ची, तेज पत्ता और यहाँ से तीन से चार दालचीनी के टुकड़े और यहाँ पांच से छह हरी मिर्ची, इसे थोड़ा हमें फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज की बड़ी प्याज काट ली हूँ मैं, इसे डाल लेती हूँ। हमें थोड़ा इसे प्याज को ब्राउन कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउन होना है प्याज, तो प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे, थोड़ा बहुत ब्राउन होना है ये। देखिए प्याज पक चुकी है, हमें इतनी ही पकाना है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे, मैं स्टोव का फ्लेम कम कर लेती हूँ, अभी इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मंदी मसाला मैंने दो स्पून उठा कर रख ली थी ना, उसे डाल लेंगे इसमें, चावल के लिए है ये। यहाँ पर एक टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, यहाँ छोटा टीस्पून है, इसके हिसाब से मैं एक स्पून हल्दी ले रही हूँ, ये देखिए इतना है, एक स्पून हल्दी। और इसमें नमक, नमक आप जितना चाहे आपको उतना ले सकते हैं, मुझे मेरे हिसाब से मैं ले रही हूँ नमक, ये नमक, इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। मसालों को भी अच्छे से पकने देंगे। अभी यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, ये एक गिलास से चार गिलास, एक किलो चावल है चार गिलास, मैं एक गिलास से साढ़े पांच गिलास इसमें पानी डालती हूँ। और यहाँ पर आधा गिलास, ये साढ़े पांच गिलास पानी है, अभी इसे हम पकने देंगे, इसके बाद चावल डाल लेंगे। मैं धोकर आधा घंटे से भिगोकर रख ली हूँ चावल को, अभी इसे हम अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर देखिए इस बॉल में हम चिकन को मैरिनेट करके रख लिए थे ना, उसमें भी उस मसाले को भी हम पानी डालकर इसमें डाल लेंगे, उस मसाले को भी, बस अभी इसे पकने देना है, इसके बाद हम चावल डाल लेंगे। यहाँ पानी पक रहा है, मैं बताई थी ना मेरे पास काले नींबू खत्म हो गए हैं, वही जाते हैं, मैं यहाँ पर दो सूखे नींबू डाल रही हूँ। अब इसमें हम चावल डाल लेंगे, मैं आधा घंटे से भिगो कर रख ली हूँ चावल को, अब इस चावल को भी हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए चावल को मैं डाल ली हूँ, चावल को डालने के बाद ज्यादा नहीं हिलाना है, चावल फूट जाते हैं, बस उसको एक बार फिराना है, फिर ढककर हमें इसे रख देना है। ये देखिए इस वक्त आप थोड़ा नमक चेक कर लेना, नमक बहुत से घर में ज्यादा खाते हैं, बहुत से घर में कम खाते हैं, बस हिला दी हूं मैं, अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे पकने। देखिए पानी सब पूरा पक चुका है, चावल भी अच्छे से ये हो गए हैं, बस हमें इतना ही करना है चावल को, ज्यादा भी गलाना नहीं, बस इतना हमें चाहिए। अभी हम इसे दम पर रख लेंगे। ये मंदी मेरे घर में बनती ही रहती है, लेकिन एक को बहुत पसंद है, एक को, जो मेरी बेटी खतर में रहती है वो बहुत बनाती है, मैं वहां ही खाकर इसका टेस्ट मुझे पता चला था। मनान को बहुत पसंद है, मेरा नवासा है मनान, उसे बहुत पसंद है, वो मंदी मंदी बोलकर बहुत खाता है, ये बहुत पसंद है उसे। ये आप रमजान में देखिए बनाइए, अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन भी बनाकर खाइए,
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसमें से पानी हो गया है, अभी हम कोयला हम ये गए गरम कर लेंगे कोयले को। अब इसमें हमें कोयले को गरम कर लेती हूँ, हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है इसीलिए। अभी इसको एक मिनट ऐसे ही छोड़ती हूँ, मैं कोयले को गरम कर लेती हूँ। अभी हम इसे ये देखिए हो गया है चावल, अभी हम इसे थोड़ी देर दम पे ही रखेंगे। अब यहाँ मैं कोयले का फ्लेवर देती हूँ, स्मोकिंग फ्लेवर देती हूँ। इसके पहले हमें इस पर चिकन रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, इसमें थोड़ा सा हम जैतून का तेल डाल लेंगे क्योंकि चिकन के ऊपर थोड़ा सा इसे भी हम मैरिनेट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। अभी मैं लगाकर बताती हूँ। ये देखिए चिकन भी कितना अच्छा लेग पीस बने हैं, जैसे कि तंदूर होकर आए हैं। इसे थोड़ा सा ऐसे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये, इसीलिए हमें इसे ऐसे लगा लेना है। ये देखिए हो गया है, सारे चिकन को मैं लगा ली हूँ। अभी इसको भी मैं लगा ली हूँ, यहाँ पकड़ने भी इजी रहता है और अच्छा भी लगता है। अब हम चावल में रख लेंगे इसे, अब यहाँ पर हम एक एक करके रख लेंगे इसे। ये देखिए ऐसे इसे ऐसे बस ऐसे रखना है दम पर हमें स्मोकी फ्लेवर के लिए। मैं यहाँ छोटी सी कटोरी बना ली हूँ, अभी इसे रख लेंगे यहाँ पर, कोयले को रख लेंगे यहाँ पर, कोयले को रख ली हूँ। थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे थोड़ा सा। अभी इसको बंद करके रख देंगे, अभी इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद में मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। यहाँ पर दम हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू इतनी अच्छी, ये हो गया है। अभी मैं प्लेट में निकाल कर आपको बताती हूँ। देखिए अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। वाह मम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए मेरे बहू को भी पसंद आ रहा है, इसको निकाल लेती हूँ मैं। अभी आपको मैं इसमें प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए ये है मेरे पास, मैं इसमें निकाल रही हूँ मंदी को। मैं इसमें चिकन को हम बाजू कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, ये बनते ही रहता है मेरे घर में। ये देखिए चावल भी, ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं चावल भी। ये देखिए भीगने डालने से चावल, कौन सा भी है चावल, अच्छे से बनता है। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं चावल माशाल्लाह। ये देखिए अब इस पर हम चिकन रख लेंगे। हाँ मैं बता रही हूँ मेरे पास काला नींबू नहीं था, हो गया था, इसीलिए मैं सूखा नींबू डाली हूँ इसमें। इसमें तो काला नींबू ही जाता है इसमें। ये देखिए रख चुकी हूँ मैं। अभी इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल लेना है, ये मैंने तल कर रखी थी ना प्याज, इसको थोड़ी सी हमें डाल लेना है ऐसे थोड़ा सा। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट, यहाँ बादाम काजू और किशमिश, आपको जितना ड्राई फ्रूट चाहिए उतना डालकर खाना, इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट जाता है। यहाँ पर किशमिश डाल रही हूँ मैं बता रही हूँ ना बहुत सारा ड्राई फ्रूट जाता है इसमें, क्योंकि मैं देखकर भी हूँ और खाकर भी हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए बादाम, ये मेरे मनान को बहुत पसंद है उसको। अभी यहाँ पर मैं काजू डाल रही हूँ। ये देखिए तैयार हो गई है मंदी, अभी मैं इसकी चटनी भी रखकर बताती हूँ आपको। देखिए तैयार हो गई है मंदी, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर चटनी, मैं चटनी को भी मंदी की चटनी को बनाकर बताई हूँ, इसे जरूर से ट्राई कीजिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ईद पर बनाकर खाइए आप। ये देखिए बनाकर बताई हूँ मैं मंदी, चिकन मंदी है।
और भी बहुत मंदी आते हैं, मैं बनाकर आपको जरूर से बताऊंगी। और इसके साथ चटनी भी बताई हूँ मैं, जरूर से बनाकर खाइए। ये मेरे मनान को बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है ये मनान आपके लिए। ये वो तो खुश हो जाएगा, नानी मंदी बनाए हो मेरे को छोड़ दिए हो, वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसे बहुत पसंद है। आप ईद पर बनाकर खाइए, ये अलग सी बिरयानी है, ईद पर बनाकर खाइए। अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन बनाकर खाइए, अलग सा लगेगा। आपके घर में मेहमान भी बहुत सारे आते हैं ईद पर, उन्हें बनाकर दीजिए, खुश होकर खाएंगे। जरूर से बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।